वही सात चरणों के तहत होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान का आज आखिरी दिन है। मतदान संपन्न होने के बाद 4 जून को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश में एक बार फिर से एनडीए के गठबंधन की सरकार बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता ने एक ही बात ध्यान में रखी है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। देश सुरक्षित है, देश मजबूत है, हाथों में है। मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चल रही है और देश को आत्मनिर्भर बना रही है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, 4 तारीख की काउंटिंग में जो मैंने देखा है, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक और मध्य भारत में भी, हर जगह भारत की जनता एक सक्षम भारत देखना चाहती है, एक समृद्ध भारत देखना चाहती है और एक आत्मनिर्भर भारत देखना चाहती है। और यह संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा विश्वास है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सभी लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं, उसके लिए आतुर हैं, हर एक जगह मैंने देखा। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से एनडीए 400 पार कर रही है। क्या होता है कि सारा देश 400 पार पर डिस्कशन कर रहा है। ये स्पष्ट है कि हम हमेशा एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हैं और जनता का भी आशीर्वाद मिल रहा है। ये जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो नेगेटिविज्म में ही जिन्होंने राजनीति की है, उनसे अपना तो कुछ होता नहीं है। अपने तो बारे में तो कुछ कह नहीं सकते कि हम ये कमा करके लाएंगे, हम ये आगे बढ़ेंगे। तो ये हमेशा लोगों को नेगेटिविज्म की तरह शक पैदा करना, भ्रम पैदा करना, गुमराह करना, रास्ते से भटकाना, समाज को बांटना, समाज को तोड़ना और फूट डालो, राज करो, ऐसे प्रिंसिपल्स पर तो ये 75 साल चले हैं। ये तो मोदी जी ने पॉजिटिव नोट पर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और सक्षम भारत, सामर्थ्यवान भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस ओर ले जाने का काम किया है। ये लोग तो इस तरीके से काम करते हैं जो कि किस तरीके से लोग बटे रहे और इनको वोट बैंक की राजनीति मिल जाए, तुष्टिकरण हो जाए, एक साइजेबल चंक मिल जाए जिसके आधार पर राजनीति करते रहे। जनता ने एक ही बात ध्यान में रखी, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। देश सुरक्षित है, देश संबल हाथों में है, मजबूत हाथों में है, देश मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चला रहा है और भारत को सक्षम बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है, इसी के लिए वोट पड़ा है। और कुछ विषय कांग्रेस ने भ्रम डालने का प्रयास किया, जैसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज को हम स्पेशल प्रेफरेंस देंगे। माइनॉरिटीज का मतलब उनके लिए मुस्लिम है, मतलब तुष्टिकरण है, मतलब सेकुलरिज्म से भटकाने की बात है। असल सेक्युलर तो मोदी जी हैं जिन्होंने सारी योजनाएं दी और कभी नहीं कहा कि किसी धर्म को दिया और किसी धर्म को नहीं दिया, सबको दिया, सबको एक साथ पिरो करके लाए। लेकिन ये स्पेशल ट्रीटमेंट, ये तुष्टिकरण, ये डिवाइड एंड रूल की बुनियाद रखी। ऐसी बातों को जब रखी तो भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी के तरीके से इन बातों को काउंटर करती है और हम काउंटर करने में सफल रहे हैं।